हाँ जी चंद्रमा घटता बढ़ता है। चंद्रमा कहीं आपके घटता बढ़ता है? सूर्य घटता बढ़ता नहीं है और चंद्रमा घटता बढ़ता है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी का परछाया पड़ता है। एक तरफ सूर्य है, बीच में पृथ्वी है, एक तरफ चंद्रमा आ जाता है। वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी बीच में आ जावेगी तो चंद्रमा पर अंधेरा आवेगा या नहीं आवेगा? है आवेगा। हमारे ज्ञान के हिसाब से चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा चंद्रमा है। बीच में कन्या माता रूपी धरणी आ जाती है, वो धरणी का परछाया पड़ता है चंद्रमा पर। धरणी का प्रभाव पड़ जाता है ज्ञान चंद्रमा बच्चे के ऊपर। बच्चा तो बच्चा बुद्धि है, बेचारा प्रभाव में आ जाता है तो अंधेरे में आ जाता है। कभी कम अंधेरे में आता है, कभी ज्यादा अंधेरे में आता है, क्योंकि बच्चा किसके आसपास चक्कर काटता है? मां के आसपास चक्कर काटता है। इसलिए चंद्रमा कभी ज्यादा अंधेरे में होता है, घट जाता है, कभी ज्यादा उजेले में आ जाता है तो संपूर्ण हो जाता है। अभी तुम शिव शक्तियां एक भगवान बाप की रोशनी में हो, परंतु पूरा रोशनी में नहीं हो, नंबर वार हो। इसलिए बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। माता जो कुछ खाती पीती है उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? बच्चे के ऊपर पड़ता है। तुम्हारा भोजन क्या है? ज्ञान और योग तुम्हारा भोजन है। इसलिए बोला कि भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत में जब तुम संपूर्ण बनेंगी तो खुद भी एक भगवान बाप ज्ञान सूर्य के प्रभाव में रहेंगी। बाबा ब्रह्मा के तीन सिर क्यों होते हैं? ब्रह्मा के तो चार सिर भी होते हैं, पांच सिर भी होते हैं, पीछे वाला तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता होगा क्या? चार सिर इसलिए होते हैं कि वो चार आत्माओं के विशेष प्रभाव में आ जाता है। पांच सिर भी दिखाते हैं, विष्णु को चार भुजाएं दिखावेंगे, पांच भुजाएं नहीं दिखावेंगे, क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु बनता है। तो ब्रह्मा का एक सिर संपूर्ण विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा की भुजाओं को चलाने वाला विष्णु की भुजाओं को चलाने वाला बन जाता है। भुजाएं अपने आप चलती हैं या चलाने वाली आत्मा चलती है? चलाती है, चलाने वाली आत्मा है। तो ब्रह्मा पांच हैं,
एक ब्रह्मा के लिए गायन है कि वो सर काट दिया अर्थात देहभान अलग कर दिया तो आत्मा संपूर्ण बन गई। संपूर्ण आत्मा माने भगवान का स्वरूप बन जाती है। इसलिए संसार में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। हाँ जी बाबा, वरदान जन्म भेजना देगी तुम वरदान दो तो वरदान कब पूरा होगा? कौन सा वरदान? कि हम साथ ही माने भेजना देगी हाँ जन्म दिन वरदान दो तो क्या दिया वरदान दो तो रामचंद्र जी ने भेजना देगी था किसको? रामचंद्र जी की वैष्णो देवी को श्रृंगार वो वरदान दिया था तो कैसे कर ले? क्या वरदान दिया था? मन कर स्वीकार कर ले कर लो पत्नी के रूप में तुम्हें स्वीकार कर लेंगे है माना कलयुग के अंत में आत्मा तमो प्रधान बनती है कि सतयुग आदि में बनती है? हैं कलयुग अंत में भी विचार होता है, सतयुग आदि में कोई भी विचार नहीं होता है, इसलिए ऐसे बोल दिया। वो तो जानते हैं त्रिकालदर्शी हैं, तो भगवान ने बोल दिया। अकेली एक वैष्णवी की बात नहीं है, सभी ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? नंबरवार वैष्णवी देवियां हैं तो सब के लिए बोला है। बाकी सतयुग में तो एक ही पत्नी होती है कि अनेक पत्नियां होती हैं? हैं? एक ही पत्नी होती है। और है राजा दक्ष की कन्या यज्ञ कुंड में काय कर रही थी? कोई पति बटा स्त्री हो और स्त्री का अपमान बड़ी सभा में किया जाए तो पतिव्रता स्त्री को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? है गुस्सा आएगा। बाकी पिता तो पिता है, पिता से कुछ कह तो नहीं सकती, पिता का अनिष्ट भी तो पुत्री नहीं कर सकती, इसलिए क्या किया अपने शरीर का ही अनिष्ट कर दिया। और शरीर की हड्डी के तो वज्र कैसे बने? ब्राह्मणों की दुनिया में कहा जाता है ब्राह्मण किसके बच्चे हैं? ब्राह्मण किससे पैदा हुए? ब्रह्मा से पैदा हुए। जिस ब्रह्मा से पैदा हुए वो ब्रह्मा ब्राह्मणों के बीच में सबसे बड़ा पुरुषार्थी है या छोटा पुरुषार्थी है? है सबसे बड़ा पुरुषार्थी है। कैसा पुरुषार्थी है? मुरली ने बोला इस ब्रह्मा ने हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया, अपनी हड्डियां भी ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दी। तो जो हड्डियां हड्डियां भी ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करेगा उसको हड्डियां मजबूत मिलेंगी या कमजोर मिलेंगी? तो दधीचि ऋषि का गायन है शास्त्रों में, वो दधीचि ऋषि कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा ही दधीचि ऋषि है जिसने हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करके अपने पुरुषार्थ को हड्डी के समान कड़क बना लिया। ऐसे हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने वाले ब्रह्मा के पुरुषार्थ रूपी धनुष को किसने तोड़ दिया? कहते हैं राम ने उस हड्डी हड्डी पुरुषार्थ को भी तोड़ दिया, अर्थात उस पुरुषार्थ से भी आगे निकल गया, ऊंचा निकल गया। और बाबा राजा बालक हो इंद्र को काय डर है तू?
और राजा बलि। राजा बलि को डर नहीं था, डर होता तो वो अर्पण क्यों करता। हाँ, राजा बलि के गुरु को जरूर डर था। किसको डर था? गुरु को डर था, शुक्राचार्य को, कि अगर इसने तीन पैर पृथ्वी दे दी तो फिर इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और बाली को पूछ दिखाते हैं और अंजनी माता को, अंजना को और उनको पूछते हैं, दिखाते माता को, केसरी और बाली की पूछ दिखाते बंदरों, बाली को और केसरी को पूछ दिखाते हैं, अंजनी माता को पूछ क्यों नहीं दिखाते। हाँ, ऐसे तो केसरी सिंह को कहा जाता है। केसरी किसको कहा जाता है? सिंह को कहा जाता है। का माने ब्रह्मा, ईश माने शासन करने वाला, ब्रह्मा के ऊपर भी कंट्रोल करने वाला, उसका नाम रख दिया केसरी। और फिर उसकी पत्नी का नाम रखा है अंजना। बालिका तो यहाँ नाम आया नहीं है, बाली कहाँ से आ गया? हाँ, तो अंजना तो नारी थी ना। नारियों में कोई ऐसी नारी है? कि सब नारियों को देह अभिमानी की पूछ है, एक नारी को देह अभिमानी की पूछ नहीं है, है? वो कौन है? कहते हैं त्रिदेवियों को भी देह अभिमान आता है। वो तीन देवियां भी देह अभिमान में आ जाती हैं, लेकिन काशी नगरी को देवान नहीं आता। तो वो ही उनकी पत्नी दिखाई गई। बाबा काशी बाबा विष्णु भगवान ने कहा बस आई। हाँ, युग में, संगम युग में काश्य माने याद का तेज, और याद के तेज से जो संगठन तैयार किया गया नई दुनिया का, नई दुनिया की जो राजधानी का फाउंडेशन डाला गया, उस फाउंडेशन का नाम है काशी, अर्थात जहां याद का तेज बसा हुआ है, इसलिए उसका नाम ही रखा गया योगिनी। क्या? योगिनी। और शंकर जी ने पढ़ा का रूप क्यों रखा? पढ़ा पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ पशुपति तो बैल को कहा जाता है। जितने भी पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों में बड़े से बड़ा जानवर कौन है जिसका बहुत पूजा होती है? जो बड़े से बड़ा होगा उसकी जास्ती पूजा होगी या छोटों की जास्ती पूजा होगी? तो कौन सा जानवर है जिसकी बहुत पूजा होती है? जैसे शिव की बहुत पूजा होती है दुनिया में, दुनिया में शिव से जास्ती और पूजा किसी की नहीं होती। शिव से जास्ती मंदिर और किसी के भी नहीं बने हुए हैं। शिव शंकर तो एक ही है। पूजा तो साकार की होगी, मूर्ति की होगी या अव्यक्त अमूर्त की होगी, साकार की पूजा होती है। तो शिव और शंकर तो एक ही हो गए।
बाकी जो बड़ा होगा उसकी सवारी भी बड़ी होगी या छोटी होगी। तो कौन है सवारी? बैल, वो ही पशुपति दिखाया गया है। सब पशुओं का पति है, जानवर बुद्धियों का मुखिया है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चा बुद्धि है। जैसे बच्चे को अकल नहीं होती तो जानवरों को भी अकल नहीं होती है। और अभी आपने बोला कि मनुष्य तन में भगवान नहीं आते तो फिर रामकृष्ण क्यों आते? रामकृष्ण तो देवताएं सतयुग के होते हैं। रामकृष्ण सतयुग के हैं और सतयुग में तो देवताएं होते हैं कि मनुष्य होते हैं? सतयुग में तो देवताएं होते हैं। वही रामकृष्ण की आत्माएं कलयुग के अंत में आकर देवता बन जाती हैं, बनी रहती हैं, या मनुष्य बन जाती हैं, मन चलाने वाली बनती हैं, या मन एकाग्र होता है, मन उनका चलायमान होता है, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। जिनका मन चलायमान हो जाता है तो मन को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? पतित कहेंगे। कृष्ण तो त्रेता में आया था। कृष्ण सतयुग के आदि में आया था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं तो अपने गुरु से पूछ ले पहले पूरी बात। हाँ पूछ। है बाबा विष्णु भगवान के कितने रूप हैं? है विष्णु भगवान के कितने रूप हैं? ताजिया जो है उसका अर्थ है ताज। यह ताज माने जिम्मेवारी का ताज, और यह माने यह। जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्राह्मण हैं, उन्होंने ब्रह्मा के बाद नई दुनिया बनाने का ताज जिम्मेवारी का किसके ऊपर रखा है? मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, मम्मा के ऊपर सारी जिम्मेवारी थी। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा ने जो ब्राह्मणों की पालना की जिम्मेवारी किसके ऊपर सौंपी है? नाम क्या है? कुमार का दादी। वो कुमार का दादी कहती थी कि मैं तो बाबा की गद्दी नशीन बनूंगी। तो बाबा सतयुग में पहला नारायण बनते हैं तो उनकी गद्दी नशीन कौन बनेगी? कुमार का दादी। जो ब्रह्मा बाबा की गद्दी का नशीन बनेगा वो सेकंड नारायण हुआ या कोई और हुआ? है सेकंड नारायण हुआ। पहला धर्म पिता शिव बाबा, वो अव्वल नंबर धर्म स्थापन करता है अल्लाह बलदीन देवी देवता सनातन धर्म। और दूसरे नंबर का धर्म पिता कौन है? इब्राहिम। वो इब्राहिम मुसलमानों का जो पहला रूप है इस्लाम धर्म, उसे स्थापन करने का निमित्त बनता है। तो जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं वो ये समझते रहे हैं कि इस दुनिया को स्वर्ग हम बनावेंगे। ऐसे ही ये कुमार का दादी ने क्या जिम्मेवारी ले ली ब्राह्मणों की दुनिया में? कि नई दुनिया का ताज हम धारण करेंगे। तो ताज को बहुत ऊंचा उठाते हैं, ताजिया को। फिर बाद में क्या करते हैं?
सागर में डुबो देते हैं, नदियों में डुबो देते हैं, तालाब में डुबो देते हैं। जैसे देवियों को बहुत ऊंचा उठाते हैं, बहुत पूजा करते हैं, फिर क्या करते हैं, पानी में डुबो। ऐसे ऐसे गणेश को बहुत ऊंचा उठाते हैं, फिर पानी में डुबो देते हैं। ऐसे ही ताजिया का भी ये हाल होता है। कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। में जो मांगलिक संतान होती तो उसको अच्छा नहीं मानते है, तो बाबा बेहद में क्या अर्थ होगा, कौन से धर्म की आत्मा? शिव है, ज्ञान सूर्य, पृथ्वी है माता, कहा जाता है द्यावा पृथ्वी, सूर्य दुलयोग का रहने वाला है, पृथ्वी इस दुनिया की है, दोनों हमारे माता पिता हैं। उन माता पिता की संतान कौन है? है? अरे पृथ्वी का षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहला पत्ता रूपी बच्चा कौन है? कृष्ण पहला बच्चा है। तो ज्ञान सूर्य हुआ रविवार, पृथ्वी माता है, उन दोनों से कौन सा बच्चा पैदा हुआ? सोमवार। सोम किसका नाम है? चंद्रमा का नाम है। और चंद्रमा से जो पैदा होता है वो मंगल है, तो कहते हैं मंगली संतान हुई। सूर्य का बच्चा बनना अच्छा है, हाँ किसकी और का बच्चा बनना अच्छा है? सूर्य का बनना अच्छा है। पृथ्वी का आ जाता है पृथ्वी आती, जो फैलती है उसे पृथ्वी कहा जाता है। सतयुग त्रेता में पृथ्वी फैली हुई होती है या छोटा रूप होता है? भारत में ही पृथ्वी है, वो तो कन्या का रूप है। फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे देश पृथ्वी पर उभर आते हैं, इसलिए पृथ्वी फैल जाती है। जैसे पहले कन्या है तो पतली पतली है, फिर जब माता बनती है तो फैल जाती है। तो पवित्र कब कहें और अपवित्र कब कहें? कन्या है तो पवित्र है और माता है तो अपवित्र है। तो कौन सी संतान है मंगल है? जब अपवित्र हुई पृथ्वी तो मंगली संतान पैदा हुई। और सतयुग त्रेता 2500 साल नहीं होते हैं, सतयुग त्रेता दोनों मिलकर 2500 साल हुए। हाँ, 2011 वो भी 2500 साल। हाँ, 2036 में 2500 साल पूरे हो जाएंगे, तो द्वापर कलयुग दोनों युग अंत हो गए। माने 36 तक संगम भी रहेगा, संगम का मतलब है कलयुग का अंत भी रहेगा और सतयुग का आदि भी रहेगा। हाँ हाँ। विष्णु के कितने रूप हैं? विष्णु के 5 रूप हो गए, 5 ब्रह्मा, तो 5 विष्णु। ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु। तो 5 ब्रह्मा हैं, तो 5 विष्णु हो गए। और बाबा कन्या किसको कहते हैं? कन्या जो विषैली हो जाए सो विषकन्या, जो बड़े बड़े
राज परिवार होते थे कलयुग द्वापर में, तो अपनी सेफ्टी के लिए राजाएं विषकन्या रखते थे, अर्थात किसी कन्या को सर्पों के विष पिला देते थे, सर्पों से कटवाते थे थोड़ा थोड़ा करके। जब वो बहुत विषैली बन जाती थी तो दूसरे राज्य में उसको जासूसी करने के लिए भेज देते थे। और इस तरह जीत प्राप्त करते थे, तो उसको कहा जाता है विषकन्या, विषैली कन्या। बाबा उज्जैन में भैरवनाथ का मंदिर है, वो शराब कैसे पी लेते हैं? है उज्जैन में भैरवनाथ का मंदिर है, उनके आगे प्लेट जैसे शराब रख दो, वो पी लेते हैं। हाँ? कैसे पी लेते? तो सर्प कहते किसको है? सर्प किसे कहा जाता है? है सांप विकारी का सूचक है या निर्विकारी का सूचक है? हाँ, तो सर्प विकारी का सूचक है या निर्विकारी का सूचक है? विकारी का सूचक। और शराब भी, शराब सब विकारों को बढ़ाने वाली है, इसलिए मुरली में बोला है, और धंधों के लिए नहीं बोला। कौन से धंधे के लिए बोला? शराब का धंधा सबसे जास्ती विषैला धंधा है। युक्ति से ये शराब का धंधा बंद कर देना चाहिए। तो जो नाग होते हैं वो बहुत विषैले होते हैं। और बाबा सब लोग ले लेके चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं? इसीलिए चढ़ाते हैं कि उनको अच्छा लगता है। जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो चीज चढ़ा देंगे। देखा था लेकिन चढ़ाई नहीं बाबा। है देखा था, चढ़ाई नहीं। चढ़ाई नहीं तो आपने बढ़िया शराब नहीं चढ़ाई होगी, आपने पानी वानी चढ़ा दिया होगा। देख ही रहे थे बस बाबा। भक्ति मार्ग में जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं असली कहाँ की बातें हैं? संगम की बातें हैं। जैसे वो दिखाते हैं शिवलिंग बना अमरनाथ पर, तो बर्फ का लिंग बनता है या छोकरा जाके बना देता था? बाबा ने क्या बोला? छोकरा जाके बना देता था। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कोई छोकरा होगा वो क्या करता है? अरे वो क्या करता है? है? वो अमृत वेले सवेरे सवेरे संगम युग में बाबा की याद में रह करके शिवलिंग को क्या बना देता है? है? बर्फ का, बर्फ का लिंग बना जाए। नहीं तो बर्फ का लिंग होता है क्या? होता थोड़ा ही है, लेकिन वो यहाँ की यादगार है। हद की बातों को बेहद में डालने की बात है। बाबा राजा नल परेशान पाए है? राजा नल सभी राजाएं परेशान होते हैं कि आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहते हैं तो परेशान होते हैं। आप भी परेशान कब होते हैं? जब अपन को आत्मा नहीं समझेंगे, बिंदी नहीं समझेंगे, देहभान में रहेंगे तो परेशान होंगे। आत्मा बिंदी समझेंगे तो परेशान नहीं होंगे। बाबा माताओं पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माताएं भी पिछले जन्म में, पिछले जन्मों में माताएं ज्यादा भारत की बड़ी बड़ी राजाएं बनी हैं या भाई लोग बड़े बड़े राजाएं बने हैं? छोटे बड़े राजाएं ज्यादा माताएं बनती हैं या भाई लोग बने हैं? अरे अभी ज्ञान में ज्यादा कौन चलते हैं, माताएं चलती हैं कि भाई लोग चलते हैं? तो ज्यादा राजाएं कौन बनेंगे? माताएं राजा बनेंगे। जो राजाएं बनेंगे वो ज्यादा अत्याचार करेंगे या कम अत्याचार करते हैं? तो ज्यादा अत्याचार किए हैं तो वो अत्याचार यहाँ सहन नहीं करने पड़ेंगे है? इसलिए माताओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो गलत काम हो रहा है, सही काम हो रहा है? पाँव फैला के बैठता है, बुढ़ा हो गया,
और बाबा क्या सत्युग में काम विकार वाला अंग नहीं होगा? यदि नहीं होगा तो बच्चों की पैदाइश कैसे होगी? तो बाबा ने कहा कि सत्युग में विकृत अंग नहीं होता है। बाबा ये विकृत अंग क्या होता है? ऐसे नहीं है, कि कामना होती ही नहीं है या काम वाले अंग होते ही नहीं है। काम से ही बनती है कामना, परंतु वहां काम विकार नहीं होता है। देवताओं को भी कामना तो होती है। क्या कामना होती है? सुख भोगने की कामना होती है या नहीं होती है? है? होती है। तो कामना तो है। ये सुख भोगने की कामना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। तो सुख भोगने की कामना होती है और वो सुख श्रेष्ठ इंद्रियों से ज्यादा भोगा जा सकता है, ज्यादा लंबे समय तक, या भ्रष्ट इंद्रियों से ज्यादा भोगा जा सकता है? श्रेष्ठ इंद्रियों से लंबे समय तक सुख भोगा जा सकता है। इसलिए ऐसे नहीं है कि देवताओं को कामना नहीं होती है, काम का अंग नहीं होता है। कामना का अंग होता है, आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, तो कामना तो है सुख की और वो काम का अंग भी है, लेकिन इतना बड़ा रूप धारण नहीं करता है जो तामसी बन जाए। आंखों का प्यार होता है, मुख का प्यार होता है, दुखदाई नहीं होता है। और द्वापर में अंग दुखदाई हो जाता है, बड़ा रूप धारण कर लेता है, तो दुखदाई हो जाता है। वहां भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती हैं। भ्रष्ट उसे कहा जाता है जो दुख देने वाला हो, श्रेष्ठ उसे कहा जाता है जो सुख देने वाला हो। तो ऐसे नहीं है कि वहां अंग नहीं होते हैं, अंग तो होते हैं लेकिन विकृत रूप धारण करने वाले अंग नहीं होते हैं। श्रेष्ठ अंग होते हैं। कर्त माने काम और विकृत माने विपरीत काम करने वाला। काम करना अच्छी बात है या खराब बात है? है? काम करना तो अच्छी बात है। देवताएं भी कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे? है? क्या काम करेंगे? है? हाँ, सुख भोगने का काम तो वो भी करेंगे, गीत गाएंगे,
नाटकबाजी करेंगे, चित्रकारी करेंगे, एक दूसरे को अभिविचारी रूप में देखेंगे, सुनेंगे, काम तो करेंगे लेकिन सुखदाई करेंगे या दुखदाई करेंगे? सुखदाई काम करेंगे, वही काम अगर वे माने विपरीत काम करें, दुख देने वाले काम करें तो विकृत कहे जाते हैं, दुखदाई अंग कहे जाते हैं, विकृत अंग कहे जाते हैं। वो विकृत अंग दुख देने वाले होने के कारण जो पैदाइश होती है वो भी बिच्छू टेंडन पैदा होती है। आज के बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? पैदा होते ही बच्चा खुद भी रोता है और माता को भी अतीव कष्ट होता है। जिसकी शुरुआत में ही इतना दुख है, आदि में ही इतना दुख है, तो आदि मध्य अंत दुखी ही दुख होता रहता है। और बाबा, अभी बाबा ने बताया कि जो पूर्व जन्म में माताओं ने भाई थी, मतलब वो भाई थी वृषचोला थी, तो उन्होंने कष्ट दिया थे राजा बड़े बड़े, और अभी इसलिए उनको कष्ट मिल रहा। पर बाबा जैसे ये तो संस्कार आत्मा में पक्के जाते ना, किसी कष्ट देने, किसी को दुख देने के संस्कार है, पूर्व जन्म में उसको मतलब कष्ट दिए तो उसके तो संस्कार पक्के हो गए, फिर इस जन्म में आके उसको वो संस्कार तो उसके दिखते नहीं है कष्ट देने, दुख देने के माताओं में नहीं, मतलब किसी को ऐसे किसी के कुछ संस्कार है झूठ बोलने के, इस जन्म में झूठ बोलता है? तो बाबा संस्कार उसका पक्का हो गया है? तो अगले जन्म में जाके भी वो ऐसे झूठ बोलेगा, गलत कार्य करेगा, माने संस्कार रहेंगे दुख देने के। तो बाबा जैसे राजा है तो उन्होंने कष्ट दिया है जी, तो उनके संस्कार पक्के होने चाहिए। हाँ, दुख देने के संस्कार होते हैं। तो बाबा इस दूसरे जन्म में आके स्त्री चोला धारण करा और उनके ये मतलब कष्ट दुख देने के तो संस्कार दिख नहीं रहे। ठीक है, एक होता है राजा और एक होती है रानी। रानी स्त्री चोला होता है या पुरुष चोला होता है? स्त्री चोला को रानी कहा जाता है और पुरुष चोला को राजा कहा जाता है। जो स्त्री चोला होता है वो अधीन होता है या अधिकारी होता है? जो अधिकारी होता है वो ज्यादा दुख देता है, दे सकता है, या जो अधीन होता है वो ज्यादा दुख दे सकता है? अधिकारी ज्यादा दुख देगा। तो पुरुष चोला दुर्योधन दुशासन मुनि माने अधिकारी है कलयुग के अंत में, क्योंकि तन बल में भी ज्यादा है, मनोबल में भी ज्यादा है, क्योंकि बाहर की दुनिया में चक्कर काटता है और कन्याएं माताएं कुएं का मेंढक बन के रहती है, उनका मन इतना विशाल नहीं बन पाता, तो उसका फायदा पुरुष लोग उठा लेते हैं। धन संपत्ति भी पुरुषों की मुट्ठी में रहती है या कन्याओं माताओं की मुट्ठी में रहती है? पुरुषों की मुट्ठी में रहती है। तो तन से भी प्रबल है, धन से भी प्रबल है और मन से भी प्रबल है और वाचा से भी प्रबल है। तो जहां प्रबलता होती है तो पुरुष तन दुर्योधन दुशासन के संस्कारों वाला होता है जन्म से ही, और स्त्री आधीनता के संस्कारों वाली होती है। तो समझ में आया? क्यों? बाबा तो मतलब स्त्री चोला है तो चोले के संस्कार बाबा रहे। हाँ, चोले के संस्कार जो हैं वो दुख देने के होंगे या दुख सहन करने के होंगे? जो आधीन है, पराधीन सपने सुख नाई, उसको दुख सहन करना पड़ता है, और जो आधीन नहीं है, स्वाधीन है, वो चाहे दुख दे चाहे सुख दे, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं।
और बाबा फिर हिसाब किताब कैसे चुपता होंगी? वो धर्मराज भूल गए? धर्मराज काहे के लिए बैठा हुआ है बाद में? हाँ, भाइयों को डंडा खूब याद आता है अपन लोगों को। बाबा आती हो गई ना, माता सहन नहीं कर पा रही, घर से भी नहीं निकल पाती है, जा भी नहीं पाती है, बाबा से भी नहीं मिल पाती है, और घर में रोती रहती है। अब कितने दिन वो रोएंगी? कितने दिन रोएंगी? लेकिन आ तो फिर भी जाती है। माने कंट्रोल में तो फिर भी नहीं है। राजाओं के संस्कार हैं या नहीं है? है, राजाओं के संस्कार तो फिर भी है। तो स्त्री चोला है तो संस्कार राजाओं के होना चाहिए या स्त्री के होना चाहिए? है, स्त्री चोले की कदर करनी है या नहीं करनी है? है, यज्ञ में भी टोकरियां उठती है, आना नहीं है, संगठन नहीं करना है। संगठन नहीं करना है? कितनी सारी यज्ञ में बहने भी उंगलियां उठाती है, मिनी बचपन में भी उंगलियां उठाती है। अरे दुनिया युग उंगली उठाती रहे ना, अंगूठा उठाए। दुनिया वाले हमें वर्षा देंगे या शिव बाबा बरसा देगा? हैं? कभी कभी तो अंदर से अजीब सी बेचैनी होने लगती। क्यों बेचैनी होने लगती? जबकि हमें मालूम है कि देने वाला कौन है। देने वाला शिव बाबा हमारे अंदर की बात जानता है या दुनिया वाले जानते हैं? शिव बाबा जानता है। तो हमारी बुद्धि में तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई होना चाहिए। और बाबा से मिल कहाँ पाते? पहले तो बाहर से मिलना पड़ता सबसे। है, बाबा से मिल कहाँ पाते पहले? अरे मन बुद्धि से मिलना सबसे बड़ा। वैष्णो देवी और जगदम्बा दोनों में ज्यादा ऊंचा पद कौन पाता है? क्यों? मन बुद्धि से मिलती है या देह से मिलती है? जगदम्बा का तो मिलन मेला ही प्रसिद्ध है। 63 जन्मों में 84 जन्मों में उतना सुख नहीं भोगती है जितना वैष्णवी देवी भोगती है। तो तुम्हें जन्म जन्मांतर सुख भोगना है कि नहीं भोगना है? है, भोगना है तो स्त्री चोली की लाज भी रखनी है। तो बाबा फिर वो घर के लोग निकल नहीं देंगे? कोई बात नहीं। कराची में ऐसा हुआ। कैसा हुआ? है, 7 सालों के अंदर बंद करके रखा। इतना प्यार दिखाते थे। कितना प्यार दिखाया? तो अब नजर आने लगा तो धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाबा है, सतयुग में रात होती है। अरे सतयुग में चंद्रमा होता है। चंद्रमा जिसे राका पति कहते हैं, राका माने रात, राता राका का पति माने स्वामी। वहां राका पति ही नहीं होगा तो रात होगी नहीं होगी। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती ही नहीं 6 महीने, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, आधा साल। ऐसे ही आधा कल्प तक रात होगी ही नहीं दुनिया में। और बाबा आप तो जल्दी से बटन दबा दो बस। मतलब ये है माता जी का, बाबा जल्दी से स्वर्ग का नई दुनिया का बटन दबा दो, विनाश हो जाए, ये भगवान से हमारा पीछा छूटे, भाग जाए जल्दी से। कहाँ मुसीबत डाली है, हमको स्वच्छंद नहीं रहने देता है। दुनिया भर का बंधन डाला हुआ है, है? है, चाहते हैं भगवान भाग जाए, जल्दी भागो यहाँ से, बुढ़े न परेशान कर रखा है। बाबा आपने तो बोला था भोपाल। क्या बोला था? बटन दबाने वाला। बटन दबाने वाला? हाँ, कि बटन दबाने की देरी है। देरी है तो ये थोड़ा ही कहा कि तुम
वो संकल्प करो कि बटन दब जाए जल्दी। अरे हमको फायदा किसमें है? ज्यादा समय तक भगवान के साथ हमारी शूटिंग होगी उसमें हमको फायदा है कि ज्यादा समय तक दुर्योधन दुशासनों के साथ जिंदगी में रहना पड़ेगा, वो ज्यादा फायदेमंद। फायदेमंद किसमें है? हाँ, एक रामायण चौपाई आई माता जी बोल रही है ना है। कि सात स्वर्ग अपवर्ग एक धैर्य तुलाए के अंग है, तो तूने न चाही सकल मिल जो सुख लाओ सत्संग। हाँ जी, तो मतलब सत्संग तो अभी का है ना। हाँ, सत्य माने एक सत्य, इस दुनिया में एक सत्य परमात्मा है। हाँ, परमात्मा परम पिता के सिवाय और कोई भी सत्य नहीं है। तो परमात्मा का ही सत्संग अभी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है। बिल्कुल, पहले था ही नहीं। हाँ, सत्संग पहले होता ही नहीं। नहीं, मेरी शंका थी माता जी को कहा ना, मेरे माता जी को समझाओ ना, ये सत्संग होने नहीं चाहिए। बाबा एक क्वेश्चन और है। हाँ बाबा, उसमें ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल को समझाए। हाँ, जाते हो गए चरण स्रोत मुहे थम जाए। ईश्वर जी तो मैं तो समझ रहा हूँ इस बात को बाबा। हाँ, लेकिन जो लोग कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज राशि, तो उनको समझाने के लिए हम कैसे समझाएं? थोड़ा सा इसके लिए हमें बताएं आप। अरे सागर में से एक चुल्लू पानी ले लिया, वो अंश है या नहीं है सागर का? है, उस एक चुल्लू पानी में वो ही गुण होगा जो सागर में गुण है या दूसरा गुण होगा? अगर सागर खारा है तो उसे एक चुल्लू पानी में खारापन होगा या नहीं होगा? है, अगर वो एक चुल्लू पानी सागर का अंश है तो खारापन जरूर है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भगवान के गुण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बस समझा दो। एक मिनट और, सात स्वर्ग जो कहा गया है, सात स्वर्ग जो लिखे हुए हैं, सात स्वर्ग अपवर्ग एक धैर्य तुलाए के अंग, तो सात स्वर्ग क्या है बाबा? सात नारायण ही सात स्वर्ग है। जो नंबरवार स्वस्थिति में रहने से स्वर्ग बनते हैं। और कल जो मैं एक बात है सर, तारीख नहीं बदलती है। सब झूठा है। एक बात सच्ची है कि तारीख कभी बदलती नहीं है। तारीख नहीं बदलती, कलयुग में एक बात है। क्या? तारीख नहीं बदलती, सब बदलता है। तारीख तो वही रहती, तारीख है वही रहती, नहीं तारीख मतलब डेट वही रहती। क्यों है डेट वही कहाँ रहती है? है, कल कौन सी डेट थी, आज कौन सी डेट हो गई, बदल गई? तो कैसे कहते कि तारीख नहीं बदलती? उन्हें लिख करके भेजा है, धन धन भोले नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। हे भोलेनाथ, शिव बाबा तुम्हारे घर के खजाने में परम धाम में करोड़ अरब तो दूर रहे, एक कौड़ी भी नहीं है। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे बीराने में। आप जब इस सृष्टि पर आते हो तो स्वर्ग लोक भारत में बसाते हो, मनुष्य लोक पृथ्वी जब पृथ्वी आती फैलती है तो पृथ्वी पर मनुष्य लोक बसाते हो। कितने लोक हो गए? दो लोक हो गए।
और कलयुग के अंतिम भाग में भारत के दूसरी ओर माने पाताल लोक में अमेरिका बसाते हो, पाताल लोक। तीन लोक कौन कौन से? स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। खुद कहां रहते हो? कैलाश पर्वत पर। कहां रहते हो? कैलाश। कितनी लाशें पड़ी हुई हैं, पता ही नहीं, उनकी गिनती नहीं कोई कर सकता। क्या तुम्हारी नजर में ये दुनिया क्या दिखाई पड़ती है? ये सब मरे पड़े हैं। तो लाशों की दुनिया हो गई या जिंदा वालों की दुनिया हुई? लाशों की दुनिया को कहा जाता है कैलाश। तो बाबा इसका बेहद में अर्थ बताओ। बेहद में अर्थ समझ में आया है? सच्ची बात है या झूठी बात है? भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो सब सच्ची बातें भी हैं, लेकिन समझने की बात है। और बाप ही आकर के समझाते हैं, कोई मनुष्य मात्र इन बातों को, भक्ति मार्ग की बातों को समझाए नहीं सकता। ये भी बाप की पहचान है। क्या? कि जो बातें भक्ति मार्ग की बाप आकर अभी समझाते हैं, वो मनुष्य मात्र उन बातों को नहीं समझा सकता। तो इससे पहचान भी आ जाती है कि बाप का पार्ट किसका है और मनुष्यों का पार्ट किसका है। ओम शांति। बहुत देर होने वाली है, अंधेरा हो रहा है, अब देने से क्या फायदा।